मैं करी हूँ, थोड़ा थोड़ा कवर कर लिए हैं, तो आपको दिखाएंगे और हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। ये कहाँ पे है जी? कहाँ पे हम लोग? हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं। आज भी हमारा मोबाइल नहीं बना है और हम आ चुके हैं यहाँ पे वन प्लस नाइन आर शोरूम में। और यहाँ आने के बाद में हमारा तो बना ही नहीं है और हमारा पेपर गुम हो चुका है, तो फिर दुकान में जा करके हम बनवाएंगे और उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद हमारा मोबाइल बनेगा। और वन प्लस नाइन आर में यही सब प्रॉब्लम हो जा रही है कि हेयर करेक्ट डिस्प्ले खराब हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग खड़ा है मैन रोड इंडिया होटल के जस्ट सामने, आपको दिखेगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा 19,000 इसमें बजट पड़ रहा है बनाने में, ऐसे ही बनाएंगे तो। और चलो चलते हैं, और हम यहाँ पे शोरूम में आए हुए हैं। तो अगर वीडियो कैसा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर पाए डफल। शूट कर लेंगे, कवर करेंगे। और आज फिलहाल यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ये है देख सकते हैं श्री राधे रानी का मंदिर है। और यहाँ पे आते आते थोड़ा सा खा लेते हैं फुचका दोस्तों। और लवाड़ी में बहुत दिनों से फुचका नहीं खाए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ पे ठहरे हुए हैं तो फुचका खा लेते हैं। तो भैया 10 का दीजिएगा फुचका। तो दोस्तों खा करके मिलते हैं हम, और हम मतलब मैं सिंगल हूँ तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ, फिलहाल खा लेते हैं उसके बाद हम। तो मैं खा ली हूँ फुचका, फुचका खाने के बाद जा रहे हैं जहाँ के हमारे पतिदेव जी गए हैं घूमेंगे, कल पूरा पंडाल कवर करेंगे, तो इसीलिए गाड़ी को बनवाना बहुत ज़रूरी है लाइट वगैरह। ठीक है, हमारी गाड़ी फ्री हुई है और यहाँ पे हमारे पतिदेव जी खड़े हैं और गाड़ी बनाने के लिए दिए हुए हैं। तो हमारा बैटरी खराब हो गया था, तो बैटरी को चेंज करते हैं। ठीक है, बैटरी को चेंज करेंगे तो लाइट अच्छा से जलेगा, लाइट नहीं चल रहा था इधर उधर। और गाड़ी में सबसे मेन पार्ट होता है कि गाड़ी का मतलब लाइट जलना बहुत ज़रूरी होता है, लाइट नहीं जलने के बाद रात वक्त में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसी तरह से हम लोग काम चलाते गए थे। आधार कार्ड हो गया मेरे पतिदेव की, कहीं भी आधार कार्ड के जैसा खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलने के लिए तो बोलते ही नहीं है चलिए दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे बनवा लेंगे गाड़ी, उसके बाद चलेंगे स्टेशन रोड
जो नमकुम स्टेशन है वहाँ पे हम कवर करेंगे, पंडाल वहाँ पे दिखाएंगे आपको। मैंने कहाँ पे दिखाया, मेन रोड दिखाया, लुआडी दिखाया, लुआडी सैमलोंग, और अब दिखाएंगे और स्टेशन पे पंडाल जिस तरह से है वहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बैटरी चेंज करवा रहे हैं दोस्तों, न्यू बैटरी लग रहा है। गैरेज, चलिए हमारी गाड़ी बन चुकी है दोस्तों, तो चलते हैं घर। और हम आ चुके हैं हाई टेंशन, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पार्क बना हुआ है, देखने के लिए नजारा कितना अच्छा लग रहा है हाई टेंशन के पास। हेलो दोस्तों, यहाँ पे स्टेशन की बगल में बनाया गया है सुरेश्वर महादेव मंदिर की प्रतीक, और भारत की सेकेंड लार्जेस्ट मंदिर है, तो वही चुटिया कतारी बगान में है, तो उसी के माध्यम से ये पंडाल बनाया गया है, देख सकते हैं। तो हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, और कैसा लगा ये छोटी सी ब्लॉग आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लिखिएगा जय माता दी। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं स्टेशन, नामकुम स्टेशन के सामने, और ये पंडाल देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे है, और मैं जैसे ही मार्केट गई हुई थी तो ऐसे ही जो रास्ते में थे ना उसी को मैं कवर की हुई हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है नामकुम स्टेशन की पंडाल, तो इस तरह से है, तो देखिए आप और ढेर सारे कमेंट कीजिए। आ गए हैं घर, और देख सकते हैं बाबू को ये लिए हैं दीपू का कपड़ा, तो शर्ट लिए हैं, पैंट नहीं ले पाए हैं क्योंकि बोला कि हम आएंगे मतलब अपने से लेंगे पसंद करके, तो मैं छोड़ दी, सिर्फ शर्ट ही ली हूँ, और दोनों को शर्ट ही खरीदी हुई हूँ। और देख सकते हैं एक बाबू दीपू का ऐसा कलर है, राजन का इस तरह से कलर है, और मैं ली हूँ दो ठो नाइटी, तो मेरे पास नाइटी नहीं था, सब पुराना हो चुका था और उसका डिसकलर भी हो गया था, तो पुराना होने के बाद डिसकलर हो जाता तो पहनने का मन नहीं करता और पूरा फटने जैसा हो गया था, तो इसीलिए हम खरीद लिए हैं, ठीक है, दो ठो नाइटी ही इस बारी। और जब जाएगा उसके बाद कल पापा आएंगे, जींस खरीदना होगा तो खरीद देंगे, जींस जा करके अपना पसंद से खरीद लेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग, जोहार झारखंड। उसको पूरा झोला झोला लग रहा है दोस्तों, मैं क्या ही बोलूं आपको, राजन का हमारा कोई भी कपड़ा अच्छा लगता है, बहुत जचता है उसका, कुछ भी कपड़ा ले देते हैं ना आप, उसको बहुत अच्छा लगता है और जचता भी, उसका बॉडी में खिलता भी है, ठीक है। तो खाना वाना भी नहीं खा रहा, आई ना खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे।